परंपरा है भारतीय जैन संगठन का कार्यभार 2 वर्ष का होता है और 1 वर्ष के बाद में राज्य अध्यक्ष को पूरे महाराष्ट्र का एक अधिवेशन बुलाने का अवसर मिलता है और अधिवेशन बुलाया जाता है। क्या खोया, क्या पाया और आगे हमें क्या प्राप्त करना है, सामाजिक चुनौतियां क्या है, सामाजिक समस्याएं क्या है, इसमें सारे कार्यकर्ताओं के साथ में विचार विनिमय करके समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए इंप्लीमेंटेड सॉल्यूशन क्या हो सकता है, समाधान क्या हो सकता है, ये सारे कार्य को करने के लिए अधिवेशन हम लोग बुलाते हैं। BJS महाराष्ट्र अधिवेशन 2018 मागील 32 वर्षापासून BJSच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रामध्ये शिक्षण असो, सामाजिक असो किंवा जेव्हा राष्ट्रीय आपत्ती उडवले जाते त्यावेळेस प्रामुख्याने समोर येऊन काम करत आहे। ही संघटना नुसत्या महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण भारत देशामध्ये काम करत आहे। BJS महाराष्ट्र के अकाल को, सूखे को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए 5 साल से लगातार प्रयास कर रही है। पिछले साल का एक्सपीरियंस BJS का 30 तालुका में एट ए टाइम 400 गांव में काम करने का रहा। इस वर्ष ये कॉम्पिटिशन 75 ब्लॉक में स्केल की गई। अब 75 ब्लॉक में काम होगा। महाराष्ट्र के हिस्ट्री में 2500 गांव एट ए टाइम श्रमदान से खुद प्रशिक्षण लेकर, खुद होकर अगुवाई कर सूखा मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा मैं मानता हूं भारतीय जैन संगठन ने यह निर्णय लिया है 2500 गांव का काम एट ए टाइम 75 तालुका में जैसे भी पोकलन जैसे मशीनरी से पूरा करके देना। कॉन्फिडेंस के साथ इस काम को अपने जिम्मे में लेना और सक्सेसफुली मैनेजमेंट करके उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाना, ये बहुत बड़ी बात होगी। मुझे पता है ये काम कितना मुश्किल है और मुश्किल काम रहेगा तो ही BJS अपने हाथ में लेती है। कोई आसान काम लेने के लिए BJS का जन्म नहीं है। जहां जहां भी जो जो काम मुश्किल होगा, असंभव होगा, वही काम हम लोग हाथ में लेते हैं और उसको सक्सेसफुली पूरा करके बताते हैं। ये BJS का वैशिष्ट्य रहा है। जैन संगठन अपने आप में पूरे देश में एक निराला काम करती है, जिस काम में कोई हाथ नहीं डाल सकता, जो काम अपने हाथ में लेने की जो हिम्मत नहीं कर सकता, वो हिम्मत शांति बाबू के मार्गदर्शन में जैन संगठन लेती है। पिछले 30 साल का इतिहास है। महाराष्ट्र के फिर से 75 तहसील लिए हैं किसानों की सेवा में। पिछले वर्ष भी आपने 30 तहसील लेकर काम किया है और एक बड़ा भारी काम है, बड़ा सामाजिक दायित्व आप समझ कर ये धार्मिक स्थान से आप एक सामाजिक कार्य को भी आप बढ़ावा देने के लिए यहाँ कार्यरत है। भारतीय जैन संगठना जो धनाधिक शक्ति है, लेकिन उसमें का कुछ हिस्सा गरीबों के उत्थान के लिए हमेशा खर्च करती है। वो लातूर का भूकंप हो या इस महाराष्ट्र को या देश को दुष्काल मुक्त करने की घोषणा, उसके लिए आप हमेशा प्रयत्नशील रहते हो। अगर हमने समाज के अनुकरणीय काम किए तो लोगों के मन में हम समाज की छवि को प्रॉपर तरीके से स्थापित करने का काम करेंगे, वो वाले काम है भारतीय जैन संगठन के काम। और इसीलिए हमने समाज के सब्जेक्ट की पकड़ लेना और वो